शेवरोले, ये कंपनी इंडिया छोड़कर क्यों चले गई, इंडिया में क्यों फेल हो गई, इसको रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला, इसकी पूरी केस स्टडी क्या है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला। इस कंपनी के बारे में कुछ मज़ेदार बातें मैं ढूंढ कर लाया हूँ, वही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन से। ये कंपनी शेवरोले जनरल मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की एक डिवीज़न थी, जो कि एक जॉइंट वेंचर था यूएस जनरल मोटर्स का। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये कंपनी इससे पहले भी एक बार इंडिया में काम करना बंद कर चुकी है। ये कंपनी इंडिया में पहली बार 1903 में आई थी। उसके बाद 1952-53 में इस कंपनी को इंडिया में काम करना मजबूरन बंद करना पड़ा था। उसके बाद ये इंडिया छोड़कर चले गई थी। उसके बाद 2003 में ये कंपनी वापस से इंडिया में आती है और शेवरोले ब्रांड को रीलॉन्च करती है। और अब 2017 के आखिर में ये कंपनी दूसरी बार इंडिया छोड़कर चले गई है। 2003 से 2017 मतलब कि इन 14 सालों में इस कंपनी ने कई सारी गाड़ियां लॉन्च करी। उनमें से कुछ अच्छी थी तो कुछ अच्छी नहीं भी थी, जैसे कि शेवरोले एवियो, इसे 2012 में बंद कर दिया गया था। ऑप्ट्रा, जिसे 2009 में बंद कर दिया गया। कैप्टिवा, जिसे 2017 में बंद कर दिया गया। और शेवरोले फॉरेस्टर, जिसे 2005 में बंद कर दिया गया था। इन गाड़ियों के अलावा जिस समय शेवरोले ने इंडिया में काम करना बंद किया, उस समय पर यह कंपनी इंडियन मार्केट में करीब 7 से 8 प्रोडक्ट्स बेच रही थी, जैसे कि शेवरोले बीट, शेवरोले सेल, इसमें सेडान और हैचबैक दोनों ही वर्जन्स आ जाते थे, प्रीमियम सेडान शेवरोले क्रूज, शेवरोले एंजॉय जो कि एक एमपीवी थी, टवेरा और शेवरोले ट्रेल ब्लेजर जो कि एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी थी। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि शेवरोले ने इंडिया में काम करना बंद किया है, पूरी दुनिया में नहीं, अभी भी काफ़ी सारे देशों में शेवरोले की गाड़ियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। जिन गाड़ियों को शेवरोले इंडिया में बेचा करता था, उन्हीं गाड़ियों को शेवरोले दूसरे देशों में भी बेचा करता था और आज भी बेच रहा है। इन सभी गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन्स या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन्स लॉन्च हो चुकी हैं, जो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं, इतनी ज़्यादा सुंदर कि इनको देखकर ऐसा लगता है कि काश यार शेवरोले आज भी इंडिया में ही होता तो ये सारी गाड़ियाँ हम भी खरीद सकते। चिंता मत करिए, उन सभी गाड़ियों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ जो शायद आपके पास होती अगर शेवरोले इंडिया में काम कर रहा होता तो। इतना ही नहीं, अगर शेवरोले इंडिया में होता तो इन सारी गाड़ियों के अलावा इतने समय में कुछ नई गाड़ियां भी लॉन्च करता। तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो कौन सी नई गाड़ियां होती जो इंडिया में लॉन्च हो सकती थीं अगर शेवरोले इंडिया में होता तो। शेवरोले स्पार्क, इस गाड़ी को 2012 में लॉन्च किया गया था। ये एक स्मॉल पेट्रोल हैचबैक थी, 3.25 लाख से 4.25 लाख रुपए तक करीब मिल जाया करती थी एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से। बाद में फिर इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन शेवरोले बीट को भी इंडिया में लॉन्च किया गया। शेवरोले बीट करीब 4.25 से 6.5 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। बीट के लॉन्च होने के बाद भी इसकी प्रीवियस जनरेशन स्पार्क को इंडिया में बेचा जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के बाहर दूसरे देशों में इस गाड़ी को, मतलब कि शेवरोले बीट को, स्पार्क नाम से जाना जाता है। हालांकि बीट नाम की शेवरोले की एक सेडान जरूर आती है। तो अब दूसरे देशों में शेवरोले स्पार्क की 4th जनरेशन लॉन्च की जा चुकी है, जो देखने में कुछ ऐसी लगती है। शेवरोले क्रूज एक जबरदस्त प्रीमियम सेडान थी, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था ये शेवरोले का। जहाँ तक मुझे याद है, यह गाड़ी डीजल रॉकेट के नाम से काफ़ी फेमस थी।
एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 14 लाख रुपए से शुरू होकर 17.5 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। अब इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हो चुकी है जो कुछ ऐसी लगती है। शेवरोले टवेरा ये एक 7-सीटर MPV थी। इस गाड़ी को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। एज अ एम्बुलेंस और टैक्सी पर्पज़ के लिए इस गाड़ी को काफ़ी यूज़ किया गया। एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी करीब 8.5 लाख रुपए से शुरू होकर 11.5 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। इस गाड़ी की सक्सेसर बनी ऑरलैंडो जो कुछ ऐसी लगती थी। और अब ऑरलैंडो की सेकंड जनरेशन लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है शेवरोले ट्रेवर्स जो कुछ ऐसी लगती है। शेवरोले एंजॉय ये भी एक 7-सीटर MPV थी। एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से करीब 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.25 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। ये गाड़ी असल में फर्स्ट जनरेशन वुलिंग होंगवैंग थी जिसे इंडिया में एंजॉय नाम से बेचा जाता था। अब इस गाड़ी की सेकेंड जनरेशन लॉन्च हो चुकी है जो कुछ ऐसी लगती है। शेवरोले ट्रेल ब्लेजर ये एक प्रीमियम 7-सीटर SUV थी। एक शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से करीब 20 लाख से शुरू होकर 27 लाख रुपए तक की मिल जाया करती थी। ये गाड़ी अब कैसी लगती है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में ट्रेल ब्लेजर की नेक्स्ट जनरेशन जिसे 2020 में लॉन्च किया जाना है उसका डेब्यू किया गया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेवरोले कैप्टिवा ये भी एक प्रीमियम SUV थी जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था और 2017 में बंद कर दिया गया। इस गाड़ी की भी नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो चुकी है जो अब कुछ ऐसी लगती है। शेवरोले सेल ये गाड़ी हैचबैक और सेडान दोनों ही वर्जन्स में मिल जाया करती थी। अब इस गाड़ी की थर्ड जनरेशन लॉन्च हो चुकी है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गई वो सभी गाड़ियाँ जिनकी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में जरूर लॉन्च होती अगर शेवरोले यहाँ पर काम कर रहा होता तो। अब बात कर लेते हैं उन नई गाड़ियों के बारे में जो शेवरोले शायद इंडिया में लॉन्च करता अगर उसकी गाड़ियों को इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा होता और उसे इंडिया छोड़ना नहीं पड़ा होता तो।
आप ही मुझे बताइए कि इन गाड़ियों को देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि काश यार शेवरोले इंडिया में ही होता। जिस कंपनी की गाड़ियां दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 गाड़ियों की लिस्ट में रहती हैं, वो कंपनी भी भारत में कामयाब नहीं हो सकी। इसके पीछे का कारण क्या है? शायद हम लोगों को माइलेज और रीसेल वैल्यू जैसी बातों से फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब ही नहीं है। यही कारण है कि हम अच्छी गाड़ियों को इग्नोर करके अपने घर में डिब्बों को खरीद के ले आते हैं। हम लोगों को हर कीमत पे सिर्फ पैसे बचाने होते हैं। हालांकि पैसे बचाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उतने ही पैसों में एक बेहतर ऑप्शन खरीदना भी कोई गलत बात नहीं है। सस्ती से सस्ती गाड़ी मिल जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा माइलेज हो, और साल दो साल चलाने के बाद जिसे हम बेचने जाएं तो ज्यादा से ज्यादा पैसे भी वापस मिल जाएं। इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है कि आप गाड़ी खरीदो ही मत, आपके पूरे पैसे बच जाएंगे और पॉल्यूशन भी कम होगा। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी गाड़ी सबसे अच्छी लगी, और क्या आप चाहते हैं कि शेवरोले इंडिया में वापस आ जाए। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।